बारे में क्या बोलना है? अब तो फर्स्ट नंबर है ना, अब मैं फर्स्ट नंबर हूं। वो बढ़ी रही आगे, और अगर मेरा भी थोड़ा सहयोग मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को या अपनी आने वाली जनरेशन को ही सहयोग कर रही हूँ। सबका इतना प्यार है मुझे लेकर, मंगल को लेकर, हमारे शो को लेकर, कि शायद इसी वजह से वो प्यार आप तक पहुँच रहा है। वो मैम खुद ही इतनी तारीफ कर देते हैं, इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। मतलब मैम खुद ही इतनी अच्छी डांसर हैं, मैं खुद उनसे ओडिसी सीखना चाहती हूँ। दीपिका मैम बहुत स्वीट है और मुझसे रील बनाते हैं। अर्शिया है मेरे साथ, शी वेंट टू अमेरिकाज गॉट टैलेंट ट्वाइस। एक बार ऑडिशन में गई थी और फिर फर्स्ट राउंड में गई है। yes, और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। शी मेड इंडिया प्राउड। तो मंगल लक्ष्मी में इतनी दुल्हंदर डांसर एक्ट्रेस होना, ये रूहान है तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। ये रूहान है जो मेरे बेटे का रोल प्ले करते हैं। yes. और ये मेरे रियल बेटे हैं जो शर्मा रहे हैं। आज बेटा नहीं, कैमरा शाय। तो ये रूहान है जो इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, मंगल जो माँ है, मंगल इतना प्यार देते हैं। मतलब मुझे सब बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ही मुझे बोलते हैं, रोहित ही मुझे बोलते हैं कि यार वो लड़का कितना प्यार करता है, देखो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये लोग। तो मुझे हम पूरे सभी एक्टर, इनफैक्ट नमा, नूरवशी जी, बाबुल जी, एवरीवन, ईच एंड गायत्री जी, लक्ष्मी, सानिका, यू नो, सबका इतना प्यार है मुझे लेकर, मंगल को लेकर, हमारे शो को लेकर, कि शायद इसी वजह से वो प्यार आप तक पहुंच रहा है, वो इंटेंसिटी, वो एनर्जी पहुंच रही है। सब बहुत, हम लोग सेट पे रहते हैं हमें लगता नहीं 12 घंटे कैसे बीत जाते हैं, कभी कभी 14-14 15 घंटे भी हम लोग रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो बस इसी तरह से हमारी मेहनत को आप बस सराहते रहें और अपना प्यार मंगल लक्ष्मी पे देते रहें। एक लास्ट बच्चों से पूछना चाहूंगी, दीपिका ने इतनी तारीफ की आपकी, आप पूरी मॉमी बन गई, यू नो, पर जिस तरह से तारीफ करती, वो एक मां ही उतनी तारीफ कर पाती, कुछ बताइए इनके साथ काम करके कितना मजा आता है। मतलब मैम खुद ही इतनी तारीफ कर देते हैं, इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं। मतलब मैम खुद ही इतनी अच्छी डांसर हैं, मैं खुद उनसे ओडिसी सीखना चाहती हूँ। इनफैक्ट जब भी हम लोगों को सीन के अलावा टाइम मिलता है, हमारी बहुत बातें होती है कि सीन में अब जब भी हम फ्री होंगे हम लोग ओडिसी सीख लेंगे, उससे उनकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी एंड मैं भी ओडिसी सीख लूँगी। मैं सोचती हूँ कि मैं भी कनेक्टेड रह पाऊँगी इसको सिखा के, तो मैं सोच रही हूँ इसको स्टेपिंग सिखाना शुरू करूँ। और मेरा यही है कि अगर, बिकॉज इतनी अच्छी डांसर है, अगर वो क्लासिकल डांस भी सीख जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी धरोहर है, हमारा ट्रेडिशन है, वो इंडिया का ट्रेडिशन है क्लासिकल डांस फॉर्म ओडिसी भी। तो मुझे लगता है कि सीखना चाहिए इसको, वो सीखना चाहती भी है। यस yes, मुझे इंडियन डांस बहुत पसंद है एंड जब भी कोई फेस्टिवल आता है, स्पेशली आज मुझे इंडियन आउटफिट में ही मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अर्शिया रिप्रेजेंट यंगस्टर्स, टुडेज यंगस्टर, शी इज़ जस्ट 13 ईयर ओल्ड, बट शी इज़ सो रिस्पॉन्सिबल, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, अमेरिकाज गॉट टैलेंट तक जाकर आई। 12 घंटे शूटिंग के बाद वो रिहर्सल करने के लिए जाती थी अपने अमेरिकाज गॉट टैलेंट के बाद। तो ये आज के यंगस्टर को रिप्रेजेंट करती है कि शी इज़ एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बट स्टिल शी इज़ एबल टू डू डिवोट टाइम एंड एनर्जी फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड शी इज़ सो फोकस्ड, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मुझे इसके सीन करने में बहुत मजा आता है, वेरी चैलेंजिंग रोल शी इज प्लेइंग। सो मुझे लगता है अगर अर्शिया आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के यंगस्टर्स को एक बहुत बड़ा, एक यू नो, वो बढ़ी रही आगे। और अगर मेरा भी थोड़ा सहयोग मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को या अपनी आने वाली जनरेशन को ही सहयोग कर रही हूँ। तो आई एम रियली रियली सो प्राउड ऑफ, आई वॉन्ट कि एवरी हर एक बच्चा भारत का इसी तरह से आगे बढ़े, हमारे देश का नाम रोशन करे, जैसे अर्शिया कर रही है, नॉट ओनली इन डांस एंड एक्टिंग, इन एवरी फील्ड, वट एवर दे वॉन्ट। तो देखो फिर से तारीफ, जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड। बोलो दीपिका मैम बहुत स्वीट है और मुझसे रील बनाते हैं। मैं ही मतलब बनाता हूँ उनसे, अगर जैसे उनकी ज्यादा लाइन्स आ गई तब छोड़ देते हैं। आगे अगर थोड़ी सी लाइन है तब हम कर लेते हैं वीडियो शूट। मेरे बारे में क्या बोलना, अब तो फर्स्ट नंबर है ना, अब मैं फर्स्ट नंबर हूं। चलिए इसी बात पे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल लक्ष्मी जय हो।